हेलो, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ब्लूटूथ स्पीकर। तो जब भी आप ब्लूटूथ स्पीकर की बात करते हैं तो जो ब्रांड्स आपके दिमाग में आते हैं वो है JBL, और जैसे मैंने आपको और स्पीकर दिखाया है फोर्ट्रॉन, इस तरह के ब्रांड्स आपके दिमाग में आते हैं, लेकिन HP का नाम जल्दी से नहीं आता। लेकिन इस बार स्पीकर जो मेरे सामने आया है, मैं अमेजन पर सर्च कर रहा था स्पीकर्स के लिए और मुझे ये स्पीकर दिखा, कुछ अलग सा लगा, तो मैंने परचेज किया है आप लोगों के लिए रिव्यू करने के लिए। तो मेरे पास है फिलहाल HP S6500, एक ये मिनी ब्लूटूथ स्पीकर। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या खास है स्पीकर में, HP ने इसमें क्या कुछ अलग दिया है और क्या है इसके बॉक्स कंटेंट, क्या है इसकी स्पेसिफिकेशन, क्या है इसके प्राइस। तो चलिए जल्दी से अनबॉक्स करते हैं और फिर देखते हैं क्या आपको ये स्पीकर खरीदना चाहिए या नहीं। तो गाइज ये है इसका मेन बॉक्स, इधर इसका डिज़ाइन दिया गया है और यहाँ पे कुछ बेसिक डिटेल्स हैं और ये सब डिटेल्स यहाँ पर मेंशन किए हैं। जो नॉर्मल डिटेल्स मैं आपको दिखाता हूँ, तो बाहर से बॉक्स काफ़ी इसका अट्रैक्टिव लगता है, डिज़ाइन भी अट्रैक्टिव लग रहा है। तो इसको चलिए हम खोल लेते हैं और देखते हैं कैसा है ये डिज़ाइन। तो यहाँ पर सबसे ऊपर आपको मिल जाती हैं बहुत सारी मैनुअल्स, काफ़ी सारी, इसे आप आराम से पढ़ते रहिएगा। इसे हम रखते हैं साइड में और हमें एक मिल जाती है चार्जिंग के लिए केबल, USB to Micro USB, एक छोटी सी केबल मिल जाती है, काफ़ी ज़्यादा बड़ी लेंथ नहीं है इसकी। मैं आपको लेंथ दिखाता हूँ, ये केबल है। और इसके बाद हमें बॉक्स में क्या मिलता है, यहाँ पर है मेन हमारा स्पीकर। तो ये है हमारा मेन स्पीकर। वेट में थोड़ा सा हैवी है लेकिन लुक इसका कुछ अलग हटके है, नॉर्मल स्पीकर की तरह नहीं है। यहाँ पर आपको मिलती है एक मैट फिनिश और यहाँ पर थोड़ी सी ग्लॉसी फिनिश मिलती है और लुक वाइज थोड़ा अलग है, हटके है अगर आप देखें इसके डिज़ाइन को। और यहाँ पर आपको प्लास्टिक एक रबर राउंड एक दिया गया है ताकि ये स्लिप ना हो, एंटी स्लिप किसी भी सरफेस पर। तो लुक वाइज काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर कुछ बटन्स दिए गए हैं वॉल्यूम के लिए और प्ले पॉज के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको माइक्रोफोन का एक साइन दिख रहा है, ये माइक्रोफोन है यहाँ पर, और ये एक ब्लूटूथ का साइन है, पेयरिंग वगैरह की LED नोटिफिकेशन है आई थिंक, और ये चार्जिंग के लिए आपको यहाँ पर LED लाइट मिल रही है। और यहाँ पर पावर ऑन ऑफ बटन दिया गया है, तो हम इसको चलिए ऑन करते हैं और ये ऑन हो गया है। अच्छा, ये ऑटोमेटिकली पेयरिंग मोड में चला जाता है, इसमें कोई सेपरेट बटन नहीं है पेयर करने के लिए, तो ये ऑटोमेटिकली पेयरिंग मोड में है। तो चलिए मैं इसको अपने फ़ोन से पेयर कर लेता हूँ और पेयर करके आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये वर्क करता है। देख सकते हैं HP S6500 ये पेयर हो गया है। चलिए कुछ प्ले कर देखते हैं और चेक करते हैं इसकी साउंड क्वालिटी। फिलहाल ये 100% वॉल्यूम है। तो गाइज़ अगर साउंड की बात करें तो इतना छोटा सा स्पीकर काफ़ी अच्छा साउंड देता है, काफ़ी लाउड है और काफ़ी क्लियर है। 100% वॉल्यूम पर मैंने इसको प्ले किया है और काफ़ी अच्छी मुझे मतलब इसकी साउंड लगा है, कोई डिस्टरबेंस नहीं है। बैटरी की बात करें तो ये आपको 10 घंटे का बैटरी बैकअप देता है 100% वॉल्यूम पर। बैटरी प्लेबैक जो है 10 घंटे का है और अगर आप इसे 80% या 70-80% के आसपास प्ले करेंगे तो ये आपको और भी ज़्यादा दे सकता है, 15-16 घंटे का बैकअप प्लेबैक दे सकता है। तो
इतने छोटे स्पीकर के लिए बैटरी काफ़ी कमाल की है, और जो स्पीकर मैंने रिव्यू करे हैं वो बैटरी के मामले में थोड़े से हल्के थे, तो यहाँ पर आपको जो डिज़ाइन है थोड़ा सा डिज़ाइन अलग है, हटके है, कोई स्क्वायर या राउंड शेप में नहीं है, कुछ हटके अलग सा यूनिक डिज़ाइन HP ने आपको दिया है। बैटरी आपको काफ़ी अच्छी मिल रही है, 10 घंटे का आपको इसमें प्लेबैक मिल रहा है। और अगर हम बात करें इसमें फीचर्स की, तो यहाँ पर हम देखते हैं पीछे कुछ पोर्ट्स दिए गए हैं, एक ये रबर फ्लैप सा है, और यहाँ पर आपको पोर्ट जो मिलता है ऑक्स के लिए इनपुट मिलता है, अच्छी बात है। और यहाँ पर चार्जिंग के लिए आपको एक माइक्रो यूएसबी का स्लॉट मिल जाता है। तो फीचर वाइज भी ये नॉर्मल है, बाकी जो मेन इसका प्लस पॉइंट है वो है इसकी साउंड क्लैरिटी, इसकी वॉल्यूम और इसका डिज़ाइन और इसका बैटरी बैकअप। तो मुझे स्पीकर काफ़ी पसंद आया। इसका जो रेट है वो है, मैंने परचेस किया है अमेज़न से ये 1800 रुपीज़ में, तो प्राइस वाइज काफ़ी सही है ये स्पीकर। थोड़ा सा हैवी मुझे लगा, लेकिन आई थिंक बैटरी इसमें काफ़ी बड़ी दी गई है तो इसलिए थोड़ा सा ये हैवी लग रहा है। बाकी डिज़ाइन यूनिक है, रखा हुआ काफ़ी अच्छा लगेगा, कुछ अलग लगेगा, तो उम्मीद है ये आपको भी पसंद आया होगा। तो दोस्तों उम्मीद है ये स्पीकर आपको पसंद आया होगा, मुझे कुछ अलग सा लग रहा है, थोड़ा क्यूट सा यूनिक सा लुक आ रहा है, क्योंकि अब तक जितने स्पीकर रिव्यू करे हैं कोई गोल सा है, कोई चकोर है, राउंड या स्क्वायर शेप में ही ज़्यादातर स्पीकर आते हैं। ये कुछ अलग सी मुझे शेप लगी है और यही देख के मैंने परचेज किया था। इसके रिव्यूज़ मैंने अमेजन पर पढ़े थे, काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ थे और क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है, बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। प्राइस जैसा इसका है तो ये प्राइस जस्टिफाई होता है, क्योंकि आपको अच्छी बैटरी मिल रही है, अच्छा डिज़ाइन मिल रहा है, साउंड क्लैरिटी अच्छी है और अच्छी मतलब काफ़ी लाउड है, एक रूम के लिए इनफ है। और अगर आप बात करें इसकी कवरेज की, ब्लूटूथ रेंज की, तो रेंज अच्छी है और अराउंड मतलब पूरे घर में मैंने इसे टेस्ट किया है तो काफ़ी इजीली कोई मतलब मुझे डिस्टर्बेंस नहीं हुई, सिग्नल ब्रेक नहीं हुआ, इजीली ये वर्क कर रहा था। तो बाकी आप मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा है ये डिज़ाइन, आपको कुछ अच्छा लगा या नहीं लगा। आप इसे परचेज कर सकते हैं अमेजन से, मैंने लिंक मेंशन किया है डिस्क्रिप्शन में, ये अवेलेबल है अमेजन पर 1800 रुपीज़ में। आई थिंक एक दो कलर और अवेलेबल है, शायद वाइट कलर इसका अवेलेबल है, और कलर्स मैंने सही से चेक नहीं किए, मुझे ये कलर पसंद आया तो मैंने ये परचेज किया था। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके काम भी आई होगी। तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को मत भूलिएगा। मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा और कुछ नए गैजेट्स जो आपको पसंद आए और आपके काम भी आए। दोस्तों मैं हूँ फहीम, खुदा हाफिज़, बाय बाय।